नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। 4 वर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की डेट में हुआ बदलाव। बिहार की राजधानी में राहुल खड़गे का हुआ भव्य स्वागत। हज यात्रा पर गया से यात्रियों की रवानगी हुई पूरी, इस दिन से होगी वापसी। कोहली गंभीर विवाद पर पाकिस्तानी खिलाड़ी का बड़ा बयान। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 4 वर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी। अगर आप भी उन अभ्यर्थियों में से हैं जिन्होंने 4 वर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन किया था, तो बता दें कि इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है, जिसे उम्मीदवार www.biharceetintbed-ln.mu.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस परीक्षा का आयोजन 26 जून को 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित किया जाना है। मालूम हो कि अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अपना आईडी और पासवर्ड की मदद लेनी होगी। वहीं अगर अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है, तो अभ्यर्थी जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर 7314629842 और 943104164 और ईमेल helpdesk.ceetintbed2023@gmail.com पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। विपक्षी बैठक में 15 दलों के ये नेता हुए शामिल। आज यानी कि 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों की बैठक की शुरुआत 12 बजे से हो चुकी है, जो कि शाम 4 बजे तक चलेगी। बता दें कि इस बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, शिवसेना के उद्धव ठाकरे, संजय राउत, आदित्य ठाकरे, एनसीपी से शरद पवार, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, संजय सिंह और राघव चड्ढा, टीएमसी से ममता बनर्जी, माकपा से सीताराम येचुरी, नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से महबूबा मुफ्ती, भाकपा से डी राजा, भाकपा माले से दीपंकर भट्टाचार्य, जेएमएम से हेमंत सोरेन, डीएमके से एमके स्टालिन, जेडीयू से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, विजय कुमार चौधरी और आरजेडी से तेजस्वी यादव, लालू यादव मौजूद हैं। आईटीआई के लिए भी पाएं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत आईटीआई और एग्रीकल्चर ऑनर्स के लिए भी विद्यार्थियों को लोन देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। वहीं इन विषयों के अलावा कई अन्य विषय भी, जिसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में शामिल करने को लेकर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। मालूम हो कि अब इस पर बहुत जल्द ही शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव और मंत्री की सहमति ली जाएगी और फिर इसे लागू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में कई और अन्य बदलाव भी किए जा रहे हैं, जिसके तहत राज्य के कॉलेजों विश्वविद्यालयों के लिए एक मानक तय करने पर विचार किया जा रहा है, जिसमें यह तय किया जाएगा कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत दिए जाने वाले लोन का लाभ केवल मान्यता प्राप्त संस्थानों में नामांकन लेने वाले विद्यार्थियों को ही दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य के बाहर के कॉलेजों के लिए ये मानक पहले से तय है। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की डेट में हुआ बदलाव। अगर आप भी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के उम्मीदवार हैं, तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से राज्य में शिक्षकों के 1,70,461 पदों पर भर्ती के लिए ली जाने वाली परीक्षा की तारीख में बदलाव कर दिया गया है। बता दें कि पहले जहां इस परीक्षा का आयोजन 19, 20, 26 और 27 अगस्त को किया जाना था, अब उसकी तारीख को बदलकर 19 और 20 अगस्त तारीख को ली जाने वाली परीक्षा को 24 और 25 अगस्त को लिया जाएगा। वहीं 26 और 27 अगस्त को ली जाने वाली परीक्षा की तारीख में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी कि 26 और 27 अगस्त को ली जाने वाली परीक्षा उसी तारीख को ली जाएगी। मालूम हो कि बीपीएससी की ओर से यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि 20 अगस्त को सीटेट की परीक्षा होनी है। ऐसे में उम्मीदवारों के द्वारा परीक्षा की तारीख में बदलाव की मांग की जा रही थी, जिसे आयोग की ओर से मान लिया गया है। पटना से आनंद विहार के बीच शुरू हुई 6 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें। रेलवे की ओर से गर्मी की छुट्टियों की वजह से यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए लगातार कई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया गया है। इसी कड़ी में रेलवे की ओर से बिहार की राजधानी पटना और आनंद विहार के बीच स्पेशल ट्रेनों के अलावा 6 जोड़ी और स्पेशल ट्रेन के परिचालन का निर्णय लिया गया है। बता दें कि इस बात की जानकारी पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार के द्वारा दी गई है। बता दें कि जिन 6 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया गया है, उनमें 4086 आनंद विहार पटना सुपरफास्ट स्पेशल, 02456 आनंद विहार पटना सुपरफास्ट स्पेशल, 02458 आनंद विहार पटना सुपरफास्ट स्पेशल, 02460 आनंद विहार पटना सुपरफास्ट स्पेशल, 02462 आनंद विहार पटना सुपरफास्ट स्पेशल और 02464 आनंद विहार पटना सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन के नाम शामिल हैं। हज यात्रा पर गया से यात्रियों की रवानगी हुई पूरी, इस दिन से होगी वापसी।
बीते दिन हज यात्रा के लिए गया एयरपोर्ट से कुल 3212 यात्री की रवानगी पूरी हो चुकी है। बता दें कि अंतिम दिन यानी कि कल गया एयरपोर्ट से कुल 307 हज यात्री मक्का के लिए रवाना हुए। अब इन सभी हज यात्रियों की वापसी की शुरुआत 17 जुलाई से शुरू होने वाली है, जो कि 8 अगस्त तक चलेगी। मालूम हुआ कि मिली जानकारी के अनुसार गया एयरपोर्ट से हज यात्रा पर कुल 3459 यात्रियों को जाना था, लेकिन 3212 यात्री ही जा सके, जिसमें महिलाओं की कुल संख्या 1372 और पुरुषों की कुल संख्या 1840 थी। नोडल पदाधिकारी जितेंद्र कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन की ओर से दिए गए आदेश के अनुसार इस वर्ष विगत वर्षों की तुलना में हज यात्रियों के लिए कई विशेष सुविधाएं की गई हैं। नोडल पदाधिकारी जितेंद्र कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन की ओर से दिए गए आदेश के अनुसार इस वर्ष विगत वर्षों की तुलना में हज यात्रियों के लिए कई विशेष सुविधाएं की गई थी। मेडिकल कॉलेजों का होगा मूल्यांकन, दी जाएगी रेटिंग। नेशनल मेडिकल कमीशन की ओर से देश के सभी सरकारी व प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को रेटिंग देने के लिए एक पैरामीटर तय किया गया है, जिसके लिए तैयारी की जा रही है। बता दें इस रेटिंग के आधार पर ही मेडिकल कॉलेजों को सहयोग मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कॉलेजों को यह रेटिंग मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड की ओर से दी जाएगी। इसके लिए मेडिकल कॉलेजों को सभी जरूरी डॉक्यूमेंट बोर्ड को मुहैया करवाने होंगे। वहीं कॉलेजों की रेटिंग बोर्ड NMC की वेबसाइट पर जारी की जाएगी, जिसे आम लोग भी देख सकेंगे। मालूम हो कि रेटिंग सिस्टम NMC की ओर से मेडिकल पढ़ाई की गुणवत्ता को बनाने के लिए लागू किया जाएगा। वहीं इस रेटिंग में स्टूडेंट के फीडबैक भी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसके अलावा कॉलेजों के द्वारा नियम के उल्लंघन करने पर उन्हें 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। रेटिंग की मानकों में कॉलेज में रिसर्च का स्टेटस और टीचर व स्टूडेंट्स के रिसर्च पेपर को भी वेटेज मिलेगा। इसके साथ ही कॉलेज में अनुशासन और टीचिंग और लर्निंग को लेकर क्या माहौल है, इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। विपक्षी एकता की बैठक में शामिल हुए मेहमानों को सीएम नीतीश देंगे ये खास भेंट। आज बिहार की राजधानी पटना में आयोजित हुई विपक्षी बैठक में शामिल हुए खास मेहमानों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा खास भेंट का इंतजाम किया गया है। दरअसल नीतीश कुमार की ओर से इन मेहमानों को भेंट के रूप में दिघा की दुधिया मालदा आम दिए जाएंगे, जो कि मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं। बता दें कि आम के डब्बे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम भी लिखा हुआ है। मालूम हो कि शाम को मुख्यमंत्री आवास तक खास पिकअप से पहुंचाया गया, जिस पर नीतीश राज लिखा हुआ था। हालांकि इस पिकअप को आवास से कुछ दूर पहले ही रोक दिया गया और फिर आम की पेटी को पुलिस की जिप्सी से मुख्यमंत्री आवास तक ले जाया गया। इस दौरान जिप्सी में करीब 40 पेटी आम की रखी गई थी। सीएम नीतीश कुमार की जीवनी पर लिखी किताब को लालू यादव इस दिन करेंगे विमोचन। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के द्वारा 3 जुलाई को सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर गांधी मैदान पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जीवनी नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की नजर से का विमोचन करने वाले हैं। बता दें कि अब विमोचन कार्यक्रम की शुरुआत अपराह्न 4:30 बजे से होने वाली है। मालूम हो कि नीतीश कुमार की यह किताब उदयकांत समेत नीतीश कुमार के अंतरंग मित्रों लिखित राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 3 जुलाई को आयोजित होने वाले इस लोकार्पण कार्यक्रम में बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर, लेखक संपादक पूर्व सांसद एवं बिहार विधान परिषद के पूर्व सभापति जाबिर हुसैन, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पोलित ब्यूरो सदस्य सुभाषनी अली की विशिष्ट उपस्थिति रहेगी। बिहार की राजधानी में राहुल खड़गे का हुआ भव्य स्वागत। बिहार की राजधानी पटना में आज विपक्षी दल की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। इस दौरान सीएम नीतीश के साथ लगभग 1 दर्जन मंत्री मौजूद रहे। वहीं इसके बाद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सीधे प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय सदाकत आश्रम पहुंचे। ऐसे में एयरपोर्ट से लेकर सदाकत आश्रम तक उनका भव्य स्वागत हुआ। एक तरफ जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर नजर आए, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। बता दें कि राहुल गांधी के आगमन को लेकर कार्यकर्ता सड़क पर कांग्रेस के झंडे के साथ नजर आए। अमित शाह इस दिन आएंगे बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगामी 29 जून को बिहार के लखीसराय आने वाले हैं। ऐसे में उनके आगमन को लेकर लखीसराय के विधायक विजय कुमार सिंह और बिहार भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी के द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस बारे में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि गृह मंत्री अमित शाह 29 जून को लखीसराय आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अमित शाह बिहार के विकास के लिए लखीसराय आ रहे हैं, जहां वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसको लेकर जोरों शोरों से तैयारी की जा रही है। हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि अब तक यह तय नहीं किया गया है कि अमित शाह की सभा कहाँ होगी। विपक्षी दलों की बैठक को स्मृति ईरानी ने बताया हास्यास्पद।
एक तरफ जहां आज बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों की बैठक हो रही, तो वहीं दूसरी ओर इस बैठक को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा भाजपा मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए हास्यास्पद बताया गया है। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस की छत्र छाया में कुछ ऐसे नेता एकत्र होंगे जिन्होंने आपातकाल के समय में लोकतंत्र की हत्या का नजारा स्वयं देखा था। कांग्रेस ने सार्वजनिक तौर पर यह घोषित कर दिया है कि कांग्रेस अकेले नरेंद्र मोदी को हराने में नाकाम है और उन्हें अब सहारे की जरूरत है। आज वे सभी नेता एकत्र हो रहे हैं जो स्वयं मोदी के सामने विफल है। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि ताकत अब महल से निकलकर जनता के बीच आ गई है, इसलिए जो लोग सिर्फ अपनी विरासत पर राजनीति घमंड करते हैं, आज उनको चलकर उन लोगों के सामने जाना पड़ता है जिनको एक दिन आपातकाल के समय उन्होंने सलाखों के पीछे छोड़ा था। लेकिन गए भी तो कहां गए, जो एक पुल नहीं बना सकते डेमोक्रेटिक ब्रिज क्या खाक बना पाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदाकत आश्रम में कहा ये। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा सदाकत आश्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा गया कि कांग्रेस ऑफिस से जो भी नेता निकला वो देश की आजादी के लिए लड़ा। उन्होंने कहा कि हमें गर्व है कि देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसी धरती से थे। अगर हम बिहार जीत गए तो सारे भारत में हम जीत जाएंगे। आपका मूड कैसा है? मेरा पटना आने का मकसद खास है क्योंकि देश में दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की भारत तोड़ो यात्रा। उन्होंने कहा कि बिहारियों के डीएनए में कांग्रेस है, नफरत को मोहब्बत ही काट सकती है, नफरत नहीं। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिस राज्य में गए वहां बिहारी मिले। बीजेपी का मतलब दो तीन लोगों को फायदा पहुंचाना है, जबकि कांग्रेस का मतलब गरीबों और सबको फायदा पहुंचाना है। कोहली गंभीर विवाद पर पाकिस्तानी खिलाड़ी का बड़ा बयान। लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच आईपीएल 2023 लीग चरण के मैच के बाद विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच हुए तीखी विवाद को लेकर पाकिस्तान के बल्लेबाज अहमद शहजाद के द्वारा पॉडकास्ट के दौरान सुझाव देते हुए कहा गया कि देखिए ये मेरा काम नहीं है, लेकिन मैं अपनी राय सिर्फ इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपने मुझसे पूछा है। मैं गलत भी हो सकता हूं क्योंकि मैं बाहर से चीजों को देख रहा था, तो मेरे अनुसार यह गंभीर की गलती थी। अगर वह अपना बड़प्पन दिखाना चाहते हैं तो गौतम गंभीर को विराट कोहली को फोन करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। अगर गंभीर ऐसा करते हैं तो वह एक बड़े इंसान के तौर पर सबके सामने आएंगे। वह विराट कोहली से प्यार करते हैं, कैसे उन्होंने अपना मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार कोहली को सौंपा था। बाहर से देखो तो यह बुरा लग रहा है। मैंने अपने जीवन में कभी किसी टीम मैनेजमेंट के सदस्य को खिलाड़ियों के बीच लड़ाई में कूदते नहीं देखा, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। उन्होंने कहा कि मैदान पर कोहली के रिकॉर्ड्स के कारण गंभीर को उनसे ईर्ष्या हो सकती है। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी शुक्रवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए, इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.24 रुपए और डीजल 94.04 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 108.05 रुपए और डीजल 94.77 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.82 रुपए और डीजल 95.50 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 107.98 रुपए और डीजल कीमत 94.71 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.60 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.23 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन मादरा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने मादरा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कमलेश शर्मा, उमेश ऋषिदेव, मोटू रंगीला, कबीर आलम, संदीप यादव, सदुल्लाह पलवी, नन्नू गोलू कुमार, पवन सिंह, मोहम्मद सकीर हुसैन, रंजीत मिश्रा, जितेंद्र ठाकुर, राजकुमार, अरुण प्रजापति, मोहम्मद अफजल मंसूरी, रविशंकर। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है आपके इलाके की प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।